Assalamualaikum. Hello and welcome to Sarusama Official. In this video series of lecture, we will begin our discussion how to delete any node from heap. इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि maximum heap में कैसे हम elements को insert करते हैं. So उससे आप लोगों को insert करना आ गया minimum heap में भी. So अब maximum heap से elements को कैसे delete करते हैं. So हम लोग देखते हैं. हमारे पास एक maximum heap tree है, 35, 31 ये सारी nodes हैं. हमने delete करना सबसे पहले 14 एक element को. सो हमने 35 को एज इट इज़ लिखा, सब एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखा. 14 जो है उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, डिलीट कर दिया. अब इन केस 16 कैसे डिलीट करना है, 16 ये वाला कैसे डिलीट करना है. देखिए 16 डिलीट करेंगे मैक्सिमम हीप में जो रूट नोड होती है उसको हम के चिल्ड्रन से कंपेयर करते हैं और एनालाइज रिजल्ट को एक अरेंज करते हैं वैल्यूज़ को. सो अगर हम 50 को यहाँ से रिमूव करते हैं, सो अगर 16 को रिमूव करना है हमने, हमारी कंडीशन है 16 को रिमूव करना. सो हमारा 15 का आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रूट नोड हमने कहा है बड़ी होनी चाहिए उसके चिल्ड्रन से. वो 15 बड़ा है 13 से, यहाँ पे हमने 16 को रिमूव कर दिया. सो ये है, इस तरह ही सिमिलरली आप 13 को सिंपली रिमूव कर दोगे अगर 13 रिमूव करना होगा नेक्स्ट. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हीप के नेक्स्ट मेथड्स को. सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.